नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। नगर निगम सफाई कामगारों की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि सफाई मजदूर यूनियन द्वारा प्रदेश भर में इस तरह के ज्ञापन जिला कलेक्टरों को सौंपे गए। उन्होंने बताया है कि हमारी जो 18 सूत्री मांगे हैं, अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सारे प्रदेश भर में 1 मई से मजदूर दिवस के दिन प्रदेश भर के नगर निगम सफाई कामगार हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि ये ज्ञापन अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष गगन झजोट के नेतृत्व में दिया गया है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। आज पूरे मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर समस्त मध्य प्रदेश की नगर पालिका नगर निगमों में आज 11 तारीख को समस्त कलेक्टर कार्यालय, सीएमओ कार्यालय और नगर निगम आयुक्तों को अपने अपने जिलों के अंदर तहसीलों में आज मांग पत्र के माध्यम से उनको हमने 1 मई को होने वाले बड़े आंदोलन एक सफाई व्यवस्था को हम जो बंद करने जा रहे हैं 18 सूत्रीय मांगों को लेकर उसके लेकर आज हम नगर निगम भोपाल की समस्याएं और प्रदेश भर की जो हमने मांगे रखी हैं आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हम भोपाल कलेक्टर को सौंपने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 मध्य प्रदेश प्रांतीय शाखा, पूरे 52 जिले मध्य प्रदेश के, 378 नगर पालिकाएँ, 16 नगर निगम, 10 संभाग और 312 विकास खंड के अंदर आज मेरी इकाइयां हैं। यो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन सारे कलेक्ट्रेटों पे और सारी तहसीलों के अंदर सीएमओ को और एसडीएमओ को देंगे। एक गांधीवादी तरीके से हम लड़ने जा रहे हैं। 1 माह तक का कार्यक्रम है चरणबद्ध में हम पहले प्रथम उसमें आज हम सभी को ज्ञापन देंगे। 4-5 दिन बाद पुनः इसको हम काली पट्टी बांधेंगे। काली पट्टी के बाद हम पुनः है ना विधायक सांसद मंत्रियों को देंगे उनके क्षेत्रीय निवास हमारे, क्योंकि हमारा इस शासन प्रशासन में सत्ता शासन में लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में कोई बोलने वाला नहीं, इसलिए हम सांसद विधायकों से भी निवेदन करेंगे। इसलिए हम उनको क्षेत्रीय विधायक मंत्री प्रभारी मंत्रियों को ये ज्ञापन पुनः सौंपेंगे। इसके बाद हम एक जगह बैठकर 5 दिन बाद पुनः नारेबाजी करेंगे, टेंट लगाएंगे, एक दिन का एक दिवस ये धरना देंगे, पत्रकार वार्ता लेंगे। उसके बाद यदि नहीं होता तो फिर हम हाफ टाइम का एक दिन का आधा दिन का काम बंद करेंगे। फिर चरणबद्ध लड़ते लड़ते यदि हम आएंगे तो 1 मई के दिन हम पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश की इकाइयाँ सफाई कार्य बंद कर देंगी। इसके बाद भी यदि शासन प्रशासन नहीं जागता और हमें चर्चा को नहीं बुलाता है तो यह हमारी प्रदेश वाड़ी जो निर्णय करेगी उसको आगे लड़ाई तैयार रहेगी। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।